कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का अब 8वां राउंड पूरा हो चुका है। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रहे हैं, राजद उम्मीदवार और जदयू उम्मीदवार में बढ़त का अंतर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 4 राउंड में पिछड़ने के बाद अब जदयू उम्मीदवार ने अगले 4 चरण में वापसी करते हुए 8वें के बाद अब 9वें राउंड में एक बहुत ही शानदार बढ़त राजद के उम्मीदवार गणेश भारती पर बना लिया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 9वें राउंड की गिनती के बाद जदयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी अब 7501 वोटों से आगे हो गए हैं। इससे पहले 8वें राउंड में वे 5367 वोट से आगे थे, जो बढ़त अब जदयू उम्मीदवार ने बना ली है। अगर वह इसी हिसाब से अगले 2 राउंड भी बढ़त बनाए रखते हैं तो फिर उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अभी तक 52,332 वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें जदयू उम्मीदवार को 25,068 वोट मिले हैं, जबकि 17,567 वोट प्राप्त हुए हैं।